कैटरपिलर एक बड़ा सा लाल सेब देखता है और उसे अपना घर बना लेता है। वह एक लंबी लाइन लेने के लिए सोता ही है, तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है। वह बाहर आकर देखता है तो उसे एक फैटी वर्म दिखता है जो कि उसके घर के जस्ट बगल में ही रहने आया होता है। कैटरपिलर उसको वार्निंग देता है और दोबारा से सो जाता है। दिन से रात हो जाती है, आधी रात भी चुकी होती है तभी दोबारा से एप्पल को खाने की आवाजें आती है। कैटरपिलर काफी ज्यादा थका हुआ होता है लेकिन वो दोबारा से बाहर जाकर देखता है तो वो बिग फैट वर्म डेट पर जा रहा होता है। फिर रात से सुबह हो जाती है और कैटरपिलर बहुत ही गुस्से से वर्म के घर की तरफ जाता है और उसके घर को नीचे गिरा देता है। तभी फैटी वर्म वहां पर आता है और अपने घर को नीचे गिरा देख बहुत ही दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन कैटरपिलर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको दोबारा से वो सब आवाजें नहीं सुननी पड़ेंगी। लेकिन तभी वहां पर बिजली चमकती है और कैटरपिलर के एप्पल के ऊपर गिर जाती है और उसका एप्पल पूरी तरह से जल जाता है, नीचे भी गिर जाता है। जब तक कैटरपिलर की समझे कि यहाँ पर क्या होता है, बारिश भी शुरू हो जाती है। कैटरपिलर को बारिश से बचने के लिए एक प्लेस चाहिए होता है लेकिन वो सभी एप्पलों को खा चुका होता है, इस वजह से कोई और दूसरा एप्पल नहीं मिलता है और वो एक पेड़ की कैबिन में जाकर छिप जाता है। लेकिन तभी उसे वही आवाज दोबारा से सुनाई पड़ती है। वह उठकर देखता है तो वही फैटी वर्म था जो उसके बगल में रह रहा था। लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।